आज का जो वीडियो जो है उन पेशेंट्स के लिए है जो ये सोचते हैं कि हमारी कलाई जो है नीचे की तरफ झुक गई है, ड्रॉप हो चुकी है, अंगूठा भी जो है पूरा नीचे की तरफ ड्रॉप हो चुका है, फिंगर्स भी पूरी ड्रॉप हो चुकी है, उनका कोई ट्रीटमेंट, उनको अगर समझ में नहीं आ रहा हो कि ट्रीटमेंट क्या हो रहा है और कैसे इसकी कोई फिजियोथेरेपी अगर हो सकती है तो फिजियोथेरेपी कैसे लें, कैसा इसका ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है। तो उस पर्पज से ये जो वीडियो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। पहली बात, अगर आपको कोई नर्व इंजरी हुई है और नर्व इंजरी के बाद में और नर्व इंजरी की जो है आपको कोई एक्सीडेंट है और उसके बाद में हुई है तो आपकी जो है रेडियल नर्व इंजरी हुई है और उसके बाद में जो है आपकी कलाई, अंगूठा और जो आपकी चारों उंगलियां है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो चुकी है, तो इस केस के अंदर ये देखने को मिलता है कि इस तरीके के जो केसेज होते हैं उनमें जो ऑपरेशन जो होते हैं या तो आपकी जो कलाई है उसको कर देंगे हम जो स्टिफ होती है या फिर उसको फ्यूज कर देंगे या फिर उसमें जो प्लेट होती है वो लगा देंगे, ठीक है। और अगर आपकी बाइसेप्स के अंदर अच्छी ताकत है, ठीक है, तो आपकी जो उंगलियां जो वर्किंग है उसको अपन ऑपरेशन से सप्लाई दे सकते हैं, तो फिर आपकी जो है उंगलियां जो है मुड़ सकती है, उसका वो काम हो सकता है, ठीक है। ये अपन कर सकते हैं, चीजों को छोड़, कोई चीज को पकड़ लिया उसको दूसरे हाथ से खोलकर उसको अपन कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीके का ये ऑप्शन इस तरीके से देखने को मिलता है। दूसरा ऑप्शन ये देखने को मिलता है कि आपकी जो है रेडियल नर्व इंजरी हो चुकी है, अगर आपकी जो है फिंगर्स को मोड़ने की मांसपेशियां अच्छी है, अंगूठे को मोड़ने की मांसपेशियां अच्छी है और कलाई को नीचे की तरफ मोड़ने की मांसपेशियां अच्छी होती है तो उस केस के अंदर हम जो है टेंडन्स को ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि कलाई ऊपर होना, उंगलियों को ऊपर होना और अंगूठे का भी ऊपर होना पॉसिबल हो जाता है इन फ्यूचर, ठीक है। तो इन दोनों तरीके की जो फिजियोथेरेपी होती है वो बहुत अलग होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो जैसा ऑपरेशन होता है उसी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो है फिजियोथेरेपी आपको लेनी होती है। ये वीडियो उस पेशेंट के लिए भी बन रहा है जो जनरल अगर फिजियोथेरेपी ले रहे होते हैं, अगर आप हैंड थेरेपिस्ट के पास आकर स्पेसिफिक जो होती है एक्सरसाइजेस वगैरह जो कि ऑपरेशन के बाद किस तरीके से करनी होती है उनमें थोड़ा सा फर्क होता है, तो आप उस तरीके के लिए हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।